नमस्कार बंधु, कक्षा 12 फिजिक्स की इस क्लास में मैं अजय कुमार मित्तल, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, श्री शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज हापुड़ से, और जो हमने पीछे अध्याय नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जाना था, तो उसका शेष भाग चलिए इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। और जैसा कि हमने पीछे विस्थापन धारा का एक कॉन्सेप्ट लिया था, मैक्सवेल ने उसी विस्थापन धारा के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या की थी, और उसमें यह भी था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लंबवत और आपस में भी लंबवत जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं किसी त्वरित आवेश के कारण, और त्वरित आवेश के रूप में हमने वहाँ ऑसिलेटरी चार्ज लिया था। तो यहाँ आप देखिए फिगर में मैंने ये तीन अक्ष दिखाए हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके नेचर किस तरह की होती है। देखिए, मान लीजिए कि हमारी तरंग जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये मान लीजिए जेड डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो हमारी वेव अगर जेड डायरेक्शन में मूव करेगी तो स्पष्ट है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होंगे वो इसके लंबवत और आपस में भी लंबवत होंगे। तो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो हमारा विद्युत क्षेत्र और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र, ये परिवर्तित होता है। तो इनके आयाम दोनों के अपने आप में अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेशन होंगे उनका आयाम ये, एक तरफ का अधिकतम विस्थापन ये है, और चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कि ये है। जैसा कि प्रकाश में हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जब हमें प्रकाश का हम डिस्कशन करते हैं तो प्रकाश में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जो हमें चौंध दिखाई देती है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो ये है, तो आप देखिए किस तरीके से हमारी तरंग संचरित होगी। हमने पीछे प्रगामी तरंग का स्वरूप पढ़ा है पिछली क्लास में, वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी, ये उस तरंग का है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ हमारे जो इलेक्ट्रिक वेव बनेगी वो एक तरीके से इस के अलॉन्ग वाइब्रेशन के आधार पर कुछ इस तरह से साइनोसोइडली आगे बढ़ेगी, क्योंकि साइन के आधार पर परिवर्तन होता है, और जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसी आवृत्ति और उसी तरंग दैर्ध्य के साथ होगा, और उसका आयाम मैंने इतना माना है, तो ये एक तरीके से इस तरह से कंपन करेगा और आगे बढ़ेगी हमारी जो चुंबकीय तरंग है। तो आप देख रहे हैं दोनों का साइमल्टेनियसली इफेक्ट, चुंबकीय परिवर्तन देखिए इस तरीके से हो रहे हैं, और जो विद्युत परिवर्तन हो रहा है उसी के साथ साथ उसी आवृत्ति से वो इस अक्ष के अनुदिश ऐसे हो रहा है। तो इन दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव होगा वो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकट होगा, और इसी तरीके से हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग इन दोनों के लंब दिशा में आगे बढ़ती है। अच्छा, इसको अगर मैथमेटिकली हम शो करें तो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वेरी करेगा, वो ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन इसी तर्ज पर टू पाई एक्स की जगह, चूंकि जेड डायरेक्शन दिखाई है हमने मूवमेंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, तो जेड अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी। और इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन टू पाई, वेवलेंथ भी वही होगी, फ्रीक्वेंसी भी वही, इसलिए टी अपॉन टी। और इन दोनों इक्वेशन में आप देखिए ये जो फैक्टर है टू पाई बाई लैम्डा और टू पाई बाई टी, तो यहाँ टू पाई बाई लैम्डा हमारा, इसको हम के से डिनोट करते हैं, और ये हमारा कहलाता है वेव वेक्टर, तरंग सदिश, और इस सदिश का अपने आप में ये मापांक है, और टू पाई बाई जो ओमेगा है टू पाई बाई टी, ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, और इसको हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो इनका स्वरूप हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई नॉट साइन जेड के माइनस ओमेगा टी, और इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं बी नॉट साइन जेड के माइनस ओमेगा टी, जहाँ ई नॉट और बी नॉट इन दोनों फील्ड की अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ ये जो हम दो फैक्टर देख रहे हैं ओमेगा और के, इन दोनों में ओमेगा और के का जो रेशो है वो उस स्थान पर उस विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को प्रदर्शित करता है, और ये चाल वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, बशर्ते तरंग निर्वात में मूव कर रही हो, क्योंकि ये दोनों फैक्टर निर्वात से संबंधित हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दूसरे माध्यम में हम बात करें,
तो किसी अन्य माध्यम में इस चाल का जो सूत्र है इसका स्वरूप बन जाता है 1/√μ/ε, और स्पष्ट है कि यहाँ म्यू में उस माध्यम की सापेक्ष चुंबकशीलता और एप्सिलॉन में उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता वो भी शामिल हो गई है, यानी कि माध्यम के विद्युत और चुंबकीय गुण ये शामिल हो गए। और स्पष्ट है कि माध्यम निर्वात की तुलना में किसी अन्य माध्यम में जो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है वो उस माध्यम के विद्युत और चुंबकीय गुणों पर निर्भर करेगी, और स्पष्ट है कि उन तरंगों के आयाम पर निर्भर नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका स्वरूप देखा, और वो वायुमंडल में किस तरीके से आगे या किसी निर्वात में या किसी माध्यम में किस तरीके से वो प्रोपेगेट होती है, फील्ड वेक्टर्स किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, और ये हमने केवल अभी समतल प्रारूप दिखाया है क्योंकि ये किसी समतल प्रगामी तरंग के रूप में हमने शो किया है। ऐसा नहीं है कि केवल वाइब्रेशन एक ही तल में होते हैं, जब फील्ड वेक्टर चेंज होगा तो वो सभी दिशाओं में वाइब्रेशन हो सकते हैं, तो उस आधार पर ये आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका स्वरूप क्या होगा। लेकिन हर स्थिति में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे और तरंग का संचरण इन दोनों के लंबवत होगा। चलिए, ये तो रहे इस तरंग के स्वरूप की बात, लेकिन हम जानते हैं कि कहीं अगर विद्युत क्षेत्र होता है तो वहाँ विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा वो निहित होती है। तो फिर हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग में तो दोनों प्रकार के फील्ड्स हैं, तो फिर इस विद्युत चुंबकीय तरंग में एनर्जी कितनी होती है और उस एनर्जी का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरह के क्षेत्रों में किस तरह से होता है, चलिए उसको समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी जगह अगर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो वहाँ उसके एकांक आयतन में एक विद्युत ऊर्जा जिसको हम की ऊर्जा घनत्व कहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल जो डेंसिटी बनेगी वो होती है 1/√E² और इसी तरीके से चुंबक क्षेत्र की मौजूदगी में वो मैग्नेटिक डेंसिटी बन जाती है, एनर्जी डेंसिटी वो 1/√B² / μ0 होती है। और हम जानते हैं कि हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोनों वेक्टर मौजूद होते हैं, तो इस तरीके से टोटल एनर्जी जो विद्युत चुंबकीय तरंग में बनेगी वो हो जाएगी आपकी 1/√E² + 1/√B² / μ0। या अगर हम इसका एवरेज वैल्यू लें तो एवरेज वैल्यू का संबंध RMS वैल्यू से होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√E√RMS² + 1/√B² / μ0, ये भी RMS² और हम पीछे हमने एक संबंध पढ़ा है, इसको थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करें कि ERMS/BRMS ये विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को व्यक्त करता है और इसकी वैल्यू होती है निर्वात में 1/√μ0 × ε0। तो अगर यहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आप पाएंगे ERMS² की वैल्यू हो जाएगी BRMS² / μ0 ε0, और इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये बन जाती है ε0 × E, ये बन जाती है BRMS² / μ0। या अगर आप BRMS² की वैल्यू पुट करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ ERMS ये बन जाती है ε0 ERMS², और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर विद्युत चुंबकीय तरंग में एक ऊर्जा निहित होती है जो आगे बढ़ती है, और यही कारण है कि सूर्य से हम पर जो ऊर्जा आती है वो इसी रूप में आती है। अच्छा, जब ये एनर्जी है तो हम ये देखते हैं कि उस तरंग में मोमेंटम भी बनता है, संवेग भी निहित होता है, वो भी आगे उसका भी वहन होता है, तो वो मोमेंटम कितना होता है तो वो वहाँ उस तरंग की ऊर्जा पर डिपेंड करता है। अगर उस तरंग की चाल वहाँ सी है उस माध्यम में, तो उस स्थान पर मोमेंटम की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं E/C से, और यहाँ हमारी एनर्जी है U, तो एक तरीके से या हम इसको U/C ये भी कह सकते हैं आप। और स्पष्ट है, देखिए ये जो संबंध है ये केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए है, साधारण कणों के लिए नहीं है, और इस संवेग से स्पष्ट है कि इसका मतलब है जब कोई विकिरण किसी सतह पर आपतित पड़ेगा तो आप देखिए कि उसके मोमेंटम की दिशा अगर ये है आपतन के समय, और परावर्तित विकिरण या परावर्तित विद्युत चुंबकीय तरंग इस दिशा में गति कर रही है, तो मोमेंटम की दिशा आपकी बार ये हो गई, तो दोनों दिशाओं में परिवर्तन के कारण हम कह सकते हैं कि मोमेंटम चेंज हो रहा है।
और वो चेंज अगर हम कैलकुलेट करें वेक्टर मेथड से, तो हम देखेंगे कि वो जो चेंज आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा ये। और हम जानते हैं कि किसी भी संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बल के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही थी ये इस सतह पर एक बल आरोपित करेगी, और उस सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होगा वो वहाँ उस विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा डाले गए दाब के बराबर होगा, और इसी दाब को हम ईएम प्रेशर कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेशर, या हम इसको हम विकिरण दाब भी कह देते हैं। तो ये विकिरण दाब शो कर रहा है कि इसका मतलब कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जब किसी सतह पर आपतित होती है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करती है। और ये रीजन है कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उनकी एनर्जी तो हमें जलन या चौंध दर्शाती है, और उसका जो मोमेंटम है वो हमारे ऊपर एक विकिरण दाब भी आरोपित करता है। लेकिन चूंकि प्रकाश की चाल तो बहुत ज़्यादा है और हमारा द्रव्यमान बहुत वो भी ज़्यादा है, तो चाल ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम कम रहता है, इसलिए वो फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम उसको महसूस कर सकें। इसी तरीके से जो चमक हमको दिखाई देती है वो इस विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता से तय होती है, और तीव्रता अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो जो हमने एनर्जी कैलकुलेट करी है उसमें प्रकाश की चाल से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये उस स्थान पर उसकी चमक को व्यक्त करेगा। और स्पष्ट है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी का विकिरण आएगा उतनी ही हमको चमक या उसकी जो तीव्रता होगी वो ज़्यादा महसूस होगी। चलिए इसके बाद एक गुण और लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का, वो है उसकी अनुप्रस्थ प्रकृति। और हम जानते हैं कि तरंग संचरण के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ऑसिलेट करते हुए तरंग का संचरण होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट तरंग संचरण की दिशा में हो? अगर दिशा में हुआ तो हम कहेंगे कि वो अनुदैर्ध्य तरंग का भी बिहेव करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी प्रकृति अनुप्रस्थ क्यों होती है। चलिए उसके लिए आप चित्र में एक देख रहे हैं कि ये तीन अक्षों पर हमने दिखाया है, एक्स एक्सिस की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, और उस आधार पर हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग जेड एक्सिस की ओर मूव कर रही है। तो किसी समय उस तरंग का मान लीजिए कोई ये वेव फ्रंट है, तरंगाग्र है PQRS, इसके बारे में आप आगे चल के डिस्कस करेंगे, और ये तरंगाग्र इस मूल बिंदु से यहाँ तक मान लीजिए टी टाइम में पहुँचता है। तो इसका मतलब है इधर तो हमारी तरंग का जेड के रूप में एक फंक्शन होगा, इधर तरंग हमारी है ही नहीं, इसलिए हम इधर तरंग का को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि ई और बी की कोई वैल्यू वहाँ पर अभी पहुँची नहीं है। तो मैं इसका एक मूल बिंदु के सापेक्ष एक फिगर इसको पूरी कर रहा हूँ मान लीजिए, और वो है हमारी इस तरीके से मैंने एक क्यूब तैयार किया है। आपको लग रहा होगा जैसे कि इस क्यूब का ये जो फलक है ये मूल बिंदु पर रखा हुआ है। तो अब आप देखिए इसमें छह सरफेस हैं। अब हम कहें कि यहाँ कुल मिलाकर के मान लीजिए मैं केवल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में भी मौजूद है, और उसकी मान लीजिए यहाँ ओ पर वैल्यू ई है, और यहाँ इस दूसरे फलक पर मान लीजिए पहुंच करके हो जाती है ई डैश, ये मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माना है। अब आप देखिए कि इसी फलक इसी विद्युत क्षेत्र के कारण इससे टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, तो उस फ्लक्स की अगर हम गणना करें तो हम देखते हैं कि चूंकि इस बॉक्स के भीतर कोई भी चार्ज है ही नहीं तो नेट फ्लक्स हमारा जो होगा वो जीरो होगा, और नेट फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें तो छः सतहों का हमें अलग अलग करना पड़ेगा। इसका मतलब फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री छः सतहों के लिए ये भी टोटल जीरो होगा। जहाँ मान लीजिए मैं सतहों के नंबर डाल रहा हूँ, इधर वाली सतह एक नंबर तो ये दो नंबर, ऊपर वाली तीन नंबर तो नीचे वाली चार नंबर, और मेरी तरफ वाली पाँच नंबर तो दूसरी तरफ वाली छः नंबर। तो इस तरीके से छहों सतहों का कुल फ्लक्स कितना होगा। तो जो कंपोनेंट हमने ई जेड एक्सिस के अलोंग माला है इसका मतलब इसके 90 डिग्री डायरेक्शन में वाई और एक्स में तो कोई कंपोनेंट बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ना इधर कोई फ्लक्स पास होगा, ना इधर, ना इधर, ना उधर। अब रहे बात आमने सामने के, तो यहाँ हमने फील्ड ई डैश मान रखा है और सरफेस की डायरेक्शन आपकी दाई ओर है, तो यहाँ देखिए जीरो एंगल बन रहा है, यहाँ 180 डिग्री बन रहा है। उस आधार पर हमारे जो पहली और दूसरी सतहों का नेट फ्लक्स बनेगा जो कि हम कह रहे हैं जीरो है, जरा कैलकुलेट करिए, उधर की सतह के लिए हो जाएगा ई डैश इंटू वहाँ एरिया ए है और कॉस जीरो की वजह से वन हो जाएगा, यहाँ कॉस 180 की वजह से ये माइनस में आ जाएगा ई इंटू ए, ये भी जीरो, यानी कि ई डैश माइनस ई इक्वल टू जीरो। ये हमारा एक क्वेश्चन आई
कि अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मान रखा है जिसकी यहाँ से वैल्यू धीरे धीरे चेंज होते होते ई डैश में बदल गई, उस आधार पर दोनों की डिफरेंस जीरो होगा। और ये इक्वेशन कह रही है कि दो बातें, कि नंबर एक कि या तो ई डैश इक्वल टू ई है तब जीरो हो सकता है, और उस स्थिति में अगर यहाँ का फील्ड यहाँ के फील्ड के इक्वल हुआ तो जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा तो वहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसका मतलब है कि ईएम वेव बनेगी नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन तो गलत हो गई हमारी। तो दूसरी कंडीशन, ये इक्वेशन तभी संभव होगी जब ये वैल्यू दोनों ही जीरो होंगी, और जीरो होने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में जो हम एज्यूम कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड वो वास्तव में है ही नहीं, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस वेव के डायरेक्शन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। और इसी तरीके से आप बी को लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि बी डैश माइनस बी वो भी आपका जीरो होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट वेव मोशन की डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं होता, सभी उसके परपेंडिकुलर होते हैं। और इसीलिए हम कह देते हैं कि हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, वो अनुप्रस्थ रूप में आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है, और इसके इनके नेचर के बारे में आप और भी आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ गुण पर प्रकाश डालते हैं। आप देखिए बोर्ड पर देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, तो यहाँ संक्षेप में लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ गुण तो हमने पीछे अध्ययन किया है, और कुछ का आप आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें डिटेल में आप अध्ययन करेंगे। तो एक बार इनको सबको समराइज करते हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी त्वरित आवेश से उत्पन्न की जा सकती हैं, जैसा कि मैक्सवेल का मानना था, और उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था कोई ऑसिलेटरी चार्ज। इसी तरीके से जब संचरण होता है इन तरंगों का तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए निर्वात में चली जाती है ये। इसी तरीके से जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और जो तरंग चलती है वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक्स और वाई डायरेक्शन में है तो हमारी तरंग जेड डायरेक्शन में संचरित होती है, ये हमने पीछे अध्ययन किया। जो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के फील्ड वेक्टर्स होते हैं उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य वो समान होता है, हाँ उनके आयाम अलग अलग हो सकते हैं। संचरण के समय किसी भी बिंदु पर वहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का अनुपात हमेशा उस विशेष निश्चित माध्यम के लिए निश्चित होता है, और वो वहाँ उस विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को व्यक्त करता है। अगर हम निर्वात में देखें तो निर्वात में ये चाल 1/√μ0ε0 इस रूप में हमने पीछे अध्ययन किया, और स्पष्ट है कि निर्वात में ये चाल उस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब सभी आवृत्तियों की जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं सबकी सब एक समान चाल से चलती हैं, और वो हम जानते हैं कि वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जैसे ही तरंग किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वहाँ अलग अलग आवृत्ति की तरंगों की चाल अलग अलग होती है, और उस समय हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं C=1/√μ/ε, और स्पष्ट है कि यहाँ पर माध्यम की जो सापेक्ष चुंबकशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता है वो भी शामिल हो गई। तो स्पष्ट है कि किसी अन्य माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल उस माध्यम के विद्युत और चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है। इसी तरीके से जब विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है तो वो वहाँ पर उपस्थित कोई विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उससे प्रभावित नहीं होती। प्रभावित तो तब होगी जब इस विद्युत चुंबकीय तरंग में कोई चार्ज होगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इन तरंगों पर किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने पीछे अध्ययन किया कि इनमें एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी और मैग्नेटिक एनर्जी भी, और हमने देखा था टोटल एनर्जी ε0E² या P²/μ0, तो वो जो एनर्जी है वो संचरित होती है। जैसे कि सूर्य से हमारे पास एनर्जी चल के आती है, अगर हम थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाएं तो हमारी त्वचा में एक जलन और हमें चौंध का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है, और
जब ये तरंग संचरित होती है तो इनमें संवेग का भी वहन होता है, संवेग भी होता है, और उस संवेग के कारण ही हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब जैसे ही विद्युत चुंबक की तरंग किसी सतह पर पड़ती है तो वहाँ आपतित तरंग और परावर्तित या पारगमित तरंग, उन दोनों के जो मोमेंटम है उनकी संवेग में परिवर्तन के कारण एक बल उत्पन्न होता है, और उस बल का प्रभाव ये होता है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेशर में बदल जाता है, जिसे हम विकिरण दाब भी कहते हैं। इसी तरह से जो विद्युत चुंबक के तरंगे प्रकाशीय गुण उत्पन्न करते हैं, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, जैसे कि इस कमरे में रोशनी हो रही है, लाल रंग, पीला रंग, ये सब रंगीन प्रकाश हैं, तो जो रंग हमें एहसास कराता है वो उस विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र वाला जो भाग है, घटक है, वो उसका उत्तरदायी होता है, और इसीलिए हम उस फील्ड वेक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लाइट वेक्टर भी कह देते हैं, प्रकाश वेक्टर। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे परावर्तन दर्शाती हैं, जैसे कि हमारा प्रकाश दर्शाता है, अपवर्तन भी दर्शाती हैं, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वो अपनी दिशा बदल लेती हैं, विवर्तन भी दर्शाती हैं, यानी कि जब इनके मार्ग में कोई बाधा आती है तो किनारों से ये मुड़ जाती हैं, सीधी निकलने की बजाय अपने किनारे, उस बाधा के किनारे पर मुड़ जाती हैं। व्यतिकरण, यानी कि जब समान आवृत्ति की दो विद्युत चुंबकीय तरंगें एक दूसरे के साथ चलती हैं तो उन दोनों के अध्यारोपण से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कहीं पर किसी बिंदु पर जो उनका परिणामी आयाम है वो बढ़ जाता है, कहीं घट जाता है, और इसलिए हमें एक फ्रिंज पैटर्न मिलता है। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश हमें दिखाई देता है, इसलिए वो फ्रिंज पैटर्न हमें दिखाई दे जाता है। ये आप आगे चल के यंग एक्सपेरिमेंट में इसको वेरीफाई भी करेंगे। इसी तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्रुवण का प्रभाव दर्शाती हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में फील्ड वेक्टर, और यहाँ भी हमने डिस्कस किया कि ये दोनों फील्ड वेक्टर्स तरंग संचरण के लंबवत होते हैं, और इसी से इस पुष्टि है, इसको हमने अभी मैथमेटिकली भी देखा था कि ये अपने आप में अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाता है, और अनुप्रस्थ प्रकृति का ही प्रभाव है कि जैसे कि किसी रेडियो स्टेशन से जब ट्रांसमिशन होता है और सिग्नल का रिसीविंग होती है किसी दूसरे स्टेशन से, या हमारे घर में जो एंटीना लगा हुआ है उसके माध्यम से, तो वहाँ अगर आपके एंटीने की डायरेक्शन चेंज है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आपने उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है तो वहाँ हमारा सिग्नल वीक हो जाता है, तो वो पुष्टि करता है कि प्रकाश की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है, चाहे वो रेडियो सिग्नल है चाहे वो आपका एक्सरे है। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जाना, कुछ गुणों के बारे में आप डिटेल में अगली क्लास चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद जितनी भी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हमें आज तक ज्ञात हैं, उन सबकी फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से भिन्न है। कुछ तरंगे हमको दिखाई देती हैं, कुछ दिखाई नहीं देती, तो सभी तरंगों को अगर उनके आवृत्ति के बढ़ते हुए या घटते क्रम में हम एक पैटर्न बनाएं तो उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो उन सभी तरंगों की विशेषताएं क्या होती हैं, उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ होता है, या उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या होती है, चलिए उसका भी अध्ययन करते हैं। यहाँ आप एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, जिसमें कि हमने सभी तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में सेट किया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ एक तरंग के बाद दूसरा क्रम जो तरंग है, तो दो तरंगों के बीच में कोई फाइनाइट लेयर नहीं होती, जिसके विभाजन रेखा नहीं कह सकते हम, तो क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष जो होता है उसमें हमें 7 रंग नजर आते हैं, तो एक रंग समाप्ति भी नहीं होता है कि वहीं से ही दूसरा रंग प्रारंभ भी हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ वेवलेंथ जहां इनके ज्वाइंट हैं वहां एक दूसरे को ओवरलैप की हुई है। चलिए बारी बारी से समझते हैं। आप देखिए सबसे पहले गामा रेज आती हैं, जिनकी बेकुरेल और क्यूरी ने खोज की थी, और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस या आपने रेडियोएक्टिव पदार्थों के बारे में जाना होगा, उनसे स्वतः उत्सर्जन होता रहता है। इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 10^-4 एंगस्ट्रॉम से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास तक होती है। इसके बाद आती है एक्सरेज, जिसकी खोज रोंजन ने की थी, और किसी मेटल पर हम तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन अगर टकराएं तो एक्सरे का उत्पादन होता है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ इस बात पर। तो इनकी रेंज लगभग 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और एक्सरेज का आप इस्तेमाल जानते ही हैं कि हमारे मेडिकल साइंस में होता है, कहीं हड्डी टूट जाती है तो उसका एक्सरे लेते हैं हम, और कस्टम पर हम सामान की चेकिंग में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है पराबैंगनी किरणें, जिसकी रिटर ने खोज की थी,
और पराग बैंगनी किरणें स्पेशल लैंप से हम जनरेट करते हैं, सन से तो हमें नेचुरल रूप में मिलती हैं, और उन तरंगों को हम जानते हैं कि हमारी वायुमंडल में जो ऊपरी परत में ओजोन लेयर है वो उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, वरना अगर ये सीधी हमारी त्वचा पर पड़े तो हमारी बॉडी में ज़्यादा मेलानिन बनेगा जिसकी वजह से हमारी त्वचा थोड़ी सी सांवली बन जाती है। इसके बाद आता है दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश पर न्यूटन ने बहुत इसका अध्ययन किया है, और जो भी हम अपने चारों तरफ रोशनी देखते हैं, रंग बिरंगी रोशनी देखते हैं, वो सब दृश्य प्रकाश है। और दृश्य प्रकाश को हम अलग अलग रंगों में अगर विभाजन करें तो हम जानते हैं 7 रंगों का एक पैटर्न मिलता है विबग्योर। तो वायलेट कलर आप देख रहे हैं कि 3800 से 4300 एंगस्ट्रॉम तक की तरंग दैर्ध्य की जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इंडिगो आपकी 4300 से 4700 तक है, नीला कलर आपका 4700 से 5200 एंगस्ट्रॉम तक है, उसके बाद हरा रंग आता है जो कि 5200 से 5600 एंगस्ट्रॉम तक है, पीला रंग आपका 5600 से 5900 एंगस्ट्रॉम, और ऑरेंज कलर आपका 5900 से 6600 एंगस्ट्रॉम आता है, और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है जिसकी रेंज 6600 से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो इस तरीके से हमारा दृश्य प्रकाश 3800 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक फैला रहता है। इसके बाद आता है अवरक्त प्रकाश, जो कि पदार्थों की गर्म अवस्था के कारण हमें प्राप्त होता है, और इसको हम ऊष्म तरंगे भी कह देते हैं इस क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय तरंगों को। इनकी रेंज आप देख रहे हैं 7500 से 1 मिलीमीटर तक होती हैं 7500 एंगस्ट्रॉम से, और जो आपके टेलीविजन का रिमोट होता है या इसी तरह के और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का रिमोट होता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है सूक्ष्म तरंगे, जिनको कि हर्ट्स ने सबसे पहले खोज की थी, और सूक्ष्म तरंगें आपकी रेडार सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं, सैटेलाइट में इस्तेमाल होती हैं, और आप इसकी रेंज देख रहे हैं 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक की होती है। इसके बाद आती है रेडियो तरंगें, जिनकी खोज मार्कोनी ने की थी, और इसका हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं, और रेडियो तरंगें वो तरंगें हैं जिनका हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जितना भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, अगर इसको भी हम अलग अलग डिवीजन करें तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आपकी 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक, उसके बाद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 1 मीटर से 10 मीटर तक, उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी 10 मीटर से 100 मीटर तक, इस तरीके से मीडियम फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी रेंज की हमारी रेडियो तरंगें होती हैं। जो सेलुलर फोन होता है उसमें आप ये इस्तेमाल करते हैं, FM रेडियो में आप ये इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन के कम्युनिकेशन में आप ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल होती हैं, जनरेट होती हैं, और इनका जो उत्पादन है और इनका डिटेक्शन, इनका जो पहचान है, संसूचन है, उसके बारे में आप अपना पुस्तक में और ज़्यादा डिटेल में आप अध्ययन कीजिएगा, इससे संबंधित और ज़्यादा आंकड़े इकट्ठे करिए। तो आप देख रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जो हमने अब तक जानकारी ली है, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी और आपकी सभी शंकाओं का समाधान इससे हल हो जाएगा। थैंक यू।